रिव्यूज, सच जरूरी है। महिला का शव महीनों तक अलमारी में पड़ा रहा, बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। एक 53 साल की महिला का शव बोरे में भरा हुआ पाया गया है। महिला के शव को बोरे में भरने के बाद कमरे में बनी अलमारी में रखा गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शव पिछले कई महीनों से रखा हुआ था। मुंबई के लालबाग इलाके में हुई इस घटना से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने महिला की 21 साल की बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया है। मृत महिला के भाई और उसके भतीजे ने मंगलवार को काला चौकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीसीपी प्रवीण मुंडे ने बताया कि महिला के घर के पहली मंजिल के अपार्टमेंट की जब तलाशी ली गई तो उसका सड़ा गला शव प्लास्टिक बैग में से भरा मिला। पुलिस ने फिलहाल महिला के 21 साल की बेटी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब हत्या का शिकार हुए लोगों के शव उनके ही घर में से कई दिनों के बाद पाए गए। दिल्ली में बीते साल के आखिरी में श्रद्धा वालकर का शव भी उसके बॉयफ्रेंड के फ्रिज से मिला था। श्रद्धा के साथ लेविन में रहने वाले आफ्ताब ने 35 टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा उसने शव के टुकड़े को फ्रिज में रखा लिया था जिन्हें वो आधी रात को जाकर जंगल में फेंका था। श्रद्धा की हत्या के 5 महीने बाद हत्या का खुलासा हुआ था। उस घटना के बाद जम्मू दिल्ली समेत कई और शहरों में ऐसे ही मामले सामने आए जब टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही छात्रा से गैंगरेप, 4 महीने कड़ी सजा। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही छात्रा से सामूहिक दुराचार व लूट करने के आरोपितों को कड़ी सजा मिली है। आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया गया है। लखनऊ में पिछले साल 12 अक्टूबर को चिन्हट फायर स्टेशन के पास ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही छात्रा से सामूहिक दुराचार व लूट करने के आरोपित टेम्पो ड्राइवर इमरान उर्फ मुस्तफा और आकाश द्विवेदी को जिला जज संजय शंकर पांडे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1,07,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। पुलिस की प्रभावी पैरवी पर 4.5 महीने में ही इन आरोपितों को सजा सुना जाने में काफी मदद मिली। गंभीर अपराध ऐसे में अधिकतम सजा देगा। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि दोनों आरोपितों पर लगाए जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाते हुए कहा कि दोनों आरोपियों ने जिन परिस्थितियों में ऐसा गंभीर अपराध किया है ऐसी परिस्थिति में उन्हें अधिकतम दंड ही दिया जाना चाहिए। डीसीपी मनोज त्रिपाठी एवं एडीसीजी मोहम्मद शहीम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने विभूति खंड थाने में लिखाई थी। ऑटो में बेहोश कर जंगल में किया था रेप। हुसैनगंज में रहने वाली यह पीड़िता हजरतगंज के एक स्कूल में पढ़ती थी। वह ट्यूशन भी पढ़ाती थी। 15 अक्टूबर 2022 को वह रोजाना की तरह चिन्हट फायर स्टेशन के पास ट्यूशन पढ़ाने गई थी। पौने 7 बजे शाम को ऑटो से लौट रही थी। इससे एक युवक पहले से बैठा था। ड्राइवर शहीद पथ पर ऑटो चढ़ाने लगा तो उसने विरोध किया। ऑटो वाले ने एक और सवारी लेने की बात कही। जब ये लोग पलसियो मॉल के पास ऑटो उतारने लगे तो उसने शोर मचा दिया। इस पर आकाश ने भारी चीज से हमला कर उसे बेहोश कर दिया था। फिर उसे मॉल के पीछे जंगल में ले जाकर रेप किया था। फिर से उसे ऑटो से फेंक कर फरार हो गए थे। इसमें सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल होने पर अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया था। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर प्रभावी पैरवी की। पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर ने इस घटना के आरोपितों को कड़ी सजा दिलाने के लिए टीम को कहा था। इसमें डीसीपी पूर्वी प्रदेश कुमार, एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास, क्राइम ब्रांच के एडीसीपी अखिलेश सिंह, एसीपी विभूति खंड अभय और इंस्पेक्टर राम सिंह ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में पेश किए थे। एडीसीपी अली अब्बास लगातार इनमें मातहतों के
पति की जानकारी लेते रहे थे। एडीसीपी अखिलेश सिंह ने सर्विलांस और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाया। इन साक्ष्यों की काट कोर्ट में आरोपितों के वकील नहीं कर सके और इस पैरवी का परिणाम आजीवन सजा के रूप में सामने आया। माफी लायक नहीं है आरोपी। पुलिस अधिकारियों ने जब इस सजा के बारे में पीड़ित परिवार को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले इन आरोपियों को जिंदगी जितनी कड़ी सजा दी जाए वह भी कम है। इन लोगों ने उसकी बेटी के साथ जो कुछ किया वह माफी लायक नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हनीमून के लिए लोन लिया था, चुकाने के लिए बच्चे का अपहरण किया फिर मार रहा था। बरियातू थाना क्षेत्र के एदल हाथू निवासी 8 वर्षीय शौर्य की अपहरण के बाद हत्या को उसके करीबी ने ही अंजाम दिया। संजीव पांडा उर्फ संजू नामक शख्स ने फिरौती के लिए शौर्य का अपहरण किया और फिर हत्या कर दी। बरियातू थाना क्षेत्र के एदल हाथू निवासी 8 वर्षीय शौर्य के अपहरण के बाद हत्या को उसके करीबी ने ही अंजाम दिया। संजीव पांडा उर्फ संजू नामक शख्स ने फिरौती के लिए शौर्य का अपहरण किया और फिर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूलत कोडरमा का है। अभी वह शौर्य के पिता राजू गोप के इदलहातू स्थित घर में बहन बहनोई के साथ किराएदार था। वह सिम्बोसिस से एमबीए भी कर चुका है। अपहरण के लिए 2 दिन तक की थी रेकी। अपहरण के लिए संजू ने 2 दिन तक रेकी की। 3 मार्च देर शाम शौर्य चिप्स लेने दुकान गया था। लौटने के वक्त संजू ने उसे बुलाया। उसने शौर्य से चिप्स भी मांगकर खाया। इसी बीच उसे कार में बैठा ले जाने का लगा। शौर्य ने शोर मचाया तो संजू ने उस पर वार कर अचेत कर लिया। वहां से संजू लाल गुटवा पहुंचा जहां भी उसने शौर्य को फिर मारा और बोरी में बंद कर ईंट भरकर पानी में डाल दिया और कोडरमा भाग गया। इंटरनेट पर पुरानी कार देख बदल दिया नंबर। अपहरण कांड को अंजाम देने के लिए संजू को कार का नंबर प्लेट भी बदलना था ताकि वह पुलिस को गुमराह कर सके। इसमें संजू सफल हुआ। उसने ओएलएक्स पर एक पुराने कार का नंबर प्लेट देखा और उसी नंबर प्लेट का अपहरण में इस्तेमाल किए गए कार में लगा दिया। नकली नंबर बिहार के पटना का था। जैसे ही नंबर की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस की 2 टीम पटना में छापेमारी करने चली गई थी। पटना पहुंचने के बाद संजू की इस चालाकी की सूचना पुलिस को हासिल हुई। अपहरण की साजिश को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए सबसे पहले संजू ने अपनी बाइक को गिरवी रखकर एक कार भाड़े पर लिया। 1700 रुपए उसे हर दिन का 1700 रुपए उसे हर दिन कार का किराया देना था। एसएसपी ने बताया कि शौर्य हत्याकांड को स्पीडी ट्रायल में ले जाया जाएगा ताकि आरोपी को जल्द और कड़ी सजा मिल सके। संजीव द्वारा कई ऐसे साक्ष्य छोड़े हैं जो उसे सजा दिलाने के लिए काफी है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे मनीष न्यूज़ नेटवर्क।